वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज ईशा सिकरवार एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे। सो हमारी बर्थडे सीरीज अभी तक तो काफ़ी अच्छी जा रही है एंड उसी बर्थडे सीरीज का एक फिफ्थ एपिसोड होने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैंने मेरी बर्थडे सीरीज में फन, मस्ती, हॉल्स ये सब तो काफ़ी ज़्यादा दिखा लिया। अब मैं मेरी ऑडियंस के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लाना चाहती हूँ, स्पेशली फीमेल ऑडियंस के लिए। और फीमेल्स के लिए ना पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर जर्म्स, जो भी आप कहना चाहें, वो हमारी लाइफ का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि हमें इस चीज़ से हर महीना गुजरना पड़ता है एंड सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट भी वही होता है। सो मैंने सोचा कि मैं मेरी फीमेल ऑडियंस के लिए इसी चीज़ पर एक वीडियो लाती हूँ ताकि ये जो उनके लाइफ के इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी है एंड इतना बड़ा जो एक फेज होता है जो हर महीने आता है, उसमें उन्हें कम से कम 0.1% या फिर 1% एक थोड़ा सा क्लैरिटी मिले कि हमें क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना हम लाइन बाय लाइन बात करेंगे, जो चीज़ जैसे जैसे हमारी लाइफ में आती गई है हम वैसे वैसे बात करेंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि किस चीज़ का क्या बेनिफिट है एंड क्या डिसएडवांटेज है एट द सेम पॉइंट। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले हम बात करेंगे सैनिटरी पैड्स के बारे में एंड ये पैड है विस्पर कंपनी का, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वेल नोन ब्रांड है, सब ने विस्पर का नाम सुना ही है एंड ये अपने काम में बेस्ट भी है। पैड्स में ना हमें तीन साइजेस मिलते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ये आपके फ्लोज पे डिपेंड करता है एंड आपके बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है कि आप तीनों में से कौन सा पैड या कौन सा साइज यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आपको हेवी फ्लो है तो आप एक टाइम पे दो पैड्स भी एक के ऊपर एक लगा सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं एंड मेरे ऐसे कुछ जानने वाले लोग हैं जो उनके हेवी फ्लोज में सेकंड थर्ड डे में दो तीन पैड्स भी एक के ऊपर एक लगा रहे होते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो टोटली नॉर्मल अगर आपको लगता है कि यार मेरा फ्लो बहुत हेवी है, मैं दो तीन पैड लगा रही हूँ, क्या ये सही है, क्या ये सबके साथ होता है। तो जी हाँ, जिन लोगों को हैवी फ्लो की प्रॉब्लम है वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप में कोई इशू नहीं है, ऐसा होता है, इट इज़ वेरी 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 नॉर्मल। सो मैंने आपको बता दिया कि ये तीन साइज में अवेलेबल होता है। अब पैड का जो बेसिक मटेरियल होता है ना, इट इज़ प्लास्टिक। सो पहली चीज़ तो कि हम लोगों ने ना लाइफ में इसे एक ना एक बार यूज़ करा ही है। मैं तो खुद अभी भी पैड्स ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे खुद की लाइफ में पैड्स ही कंफर्टेबल लगते हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियों का ये इशू होता है कि उन्हें रैशेज हो जाते हैं एंड स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। जी हाँ, पैड्स आपकी लाइफ में काफ़ी बड़े बड़े इन्फेक्शन ला सकता है क्योंकि ये प्लास्टिक का बना हुआ रहता है, तो लोगों को ना बहुत सारे इन्फेक्शन एंड काफ़ी सारे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आई एम श्योर कि जिन लड़कियों ने भी पैड यूज़ करे हैं उन्हें पता होगा कि रैशेज कभी ना कभी होते हैं एंड रैशेज एक बहुत बड़ा रीज़न होता है काफ़ी सारी लड़कियों का पैड को छोड़ने का। इसके अलावा बात करें तो पैड एक ऐसी चीज़ है ना जो इंडियंस में स्पेशली इट इज़ वेरी फेमिलियर। हम लोगों को पता है कि हमें बचपन से पैड यूज़ करना ही सिखाया है तो हम लोग ना पैड के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। एक टाइम बाद मोस्टली आजकल लड़कियां पैड से स्विच हो रही है, उसका मेजर रीज़न है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शन ऑल्सो। ये बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है काफ़ी सारी गर्ल्स के लिए बैठने में, उठने में। आप उन 5-6 दिनों में अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि पैड में ना काफ़ी ज़्यादा इश्यू होता है लीकेज का। अगर आप सो रहे हो तो आपको सीधे लेट के सोना पड़ेगा, अगर आप किसी भी साइड करवट लोगे तो फिर लीकेज हो सकता है। तो ये सारे रीजंस की वजह से अभी काफ़ी सारी लड़कियां पैड्स को छोड़ रही है, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या प्रेफर करना चाहते हैं। उसके साथ ही साथ में ना पैड प्लास्टिक का बना है एंड ये रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं है। सो ये साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी सारे प्रॉब्लम, काफ़ी सारी चीज़ें पैड की वजह से होती है। एंड मेन चीज़ ये भी है ना कि कोई भी लड़की पूरे दिन में एक पैड नहीं यूज़ करेगी, वो पूरे दिन में 2 या 3 पैड तो यूज़ करती ही है। और मैं भी आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप पूरे 24 आवर्स में सिर्फ एक पैड यूज़ कर रहे हो तो मत करो, आपको काफ़ी सारे स्किन रिलेटेड इशूज़ हो सकते हैं इस वजह से। सो 2-3 पैड अगर आप एक दिन में यूज़ कर रहे हो और 5-6 दिन हमारी प्रोसेस चलती है,
सो उसमें कितने सारे पैड हो जाते हैं। तो आप एक बार सोच के देखो कि इसकी वजह से एनवायरनमेंट को कितना ज्यादा इशू हो सकता है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये था मेरा एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट पैड। अब हम बात करते हैं टैम्पॉन्स के बारे में। तो टैम्पॉन्स जो है ना वो हमारा इंडियन कंसेप्ट नहीं है, ये विदेशी कंसेप्ट है जो कि इंडिया में आया है एंड अप्रोक्सीमेटली इंडियन फीमेल्स इसे यूज कर रहे होंगे कुछ 6 to 7 years से। जी हाँ, ये इतना नया नहीं है हमारे लिए, इंडियन फीमेल्स इसे काफ़ी टाइम पहले यूज़ करना स्टार्ट कर चुकी हैं। मोस्टली आई गेस यंग गर्ल्स ने इसे स्टार्ट करा था इंटरनेट से पढ़ पढ़ के एंड यहाँ वहाँ से नॉलेज लेकर इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था और अब ये इंडिया में कॉमन हो चुका है। सो बेसिकली जो टैम्पॉन होता है ना वो आपको एक बॉक्स में कुछ 10 या 12 टैम्पॉन के पीसेज मिलते हैं एंड टैम्पॉन के साथ में भी वो सेम है कि अगर आप एक दिन में यूज़ कर रहे हो 24 आवर्स में आपको एटलीस्ट 2 टैम्पॉन्स तो यूज़ करने पड़ेंगे क्योंकि टैम्पॉन्स भी आप 4 to 6 आवर तक ही एक लगा सकते हो, उसके बाद में आपको इसे यूज़ करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा। और जिन लड़कियों को हैवी फ्लो होता है आई गेस उनके लिए इसे और ज़्यादा फास्ट चेंज करना रिकमेंडेड है। बात यह है ना कि अगर वो फुल हो गया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, वो और ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा ही नहीं हमारे ब्लड को। सो आपको उसे निकाल के एक दूसरा टैम्पॉन इंसर्ट करना ही पड़ेगा। आई नो कि जो नए लड़कियाँ जो टैम्पॉन्स नहीं लगाती हैं और जो टैम्पॉन से डरती हैं उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे कि टैम्पॉन का एग्जैक्टली यूज़ कैसे करते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। सो बेसिकली इस बॉक्स में ना कुछ 12 टैम्पॉन्स मेरे पास है, ये मैंने अमेजोन से बुलवाया था। इसमें 10 भी आते होंगे 12 भी आते होंगे, आप अपने हिसाब से जिसमें भी रेटिंग अच्छी मिले वो ब्रांड यूज़ कर सकते हो। मैंने तो ये रैंडमली बुलवा लिया था क्योंकि आई डोंट यूज़ टैम्पॉन, सो मैंने सिर्फ वीडियो में शो करने के लिए बुलाया। सो टैम्पॉन ना बेसिकली ऐसा होता है एंड इसके ऊपर एक रैपर है प्लास्टिक का ही, मैं इसको ट्रांसपेरेंट रैपर है, मैं उसको खोल दूंगी और इसके अंदर ना एक रस्सी होती है, तो हम उस रस्सी को ऐसे करके निकाल लेंगे वो पूरी खुल जाएगी। फिर व्हाट यू हैव टू डू इज कि ये जो टैम्पॉन है आपको उसको सीधा का सीधा, मतलब इसको आड़ा टेढ़ा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा टेढ़ा करके इसे इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इसको वजाइना के अंदर इंसर्ट करना होता है पूरा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको डर लग रहा है कि अंदर फंस जाएगा, जो कि एक्चुअल में लड़कियों के साथ होता है। जब मैंने टैम्पॉन ट्राई किया था पहली बार तब मुझे भी ऐसा ही लगा था कि यार फंस तो नहीं जाएगा या कुछ ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप इसे इंसर्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको उसको पूरा इंसर्ट करना हो। वो जो रस्सी रहती है ना एक्चुअली वो क्या काम करती है कि जब आपका ये कप पूरा, जब आपका ये टैम्पॉन पूरा फिल हो जाएगा तब आपको उस रस्सी के थ्रू इसे निकालने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और उस रस्सी की वजह से इसको आपको घूमने का या ऐसा कोई भी लोड नहीं है। अब जो मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं सिर्फ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स के ऑब्वियसली एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छे भी हैं, वो लोग इसे यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि जब मैंने टैम्पॉन लगाया था एक्चुअली मैंने सिर्फ 4-5 घंटे यूज़ करा था, तो शायद मेरे लिए वो इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं हो पाया होगा क्योंकि मैं उसकी हैबिटेट नहीं थी। अगर आप उसको अपनी एक साइकिल में पूरे टाइम यूज़ करोगे तो हो सकता है कि आप इसके लिए हैबिटेड हो जाओ। सो मैंने जब ये टैम्पॉन इंसर्ट करा था और जब मैं बैठ रही थी तो मुझे सीधे बैठने में ना बहुत अजीब सा लग रहा था, एक मुझे फील हो रहा था कि मेरे अंदर कोई चीज़ अंदर है, क्योंकि जब ये पूरा फिल्ड नहीं होता, पूरा भरा नहीं होता ना, तो ये थोड़ा सा मोटा होता और काफ़ी सीधा है ना, तो आपको पता चलेगा कि या देयर इज़ समथिंग इनसाइड यू। सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो, हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो या अलग हो। दिस वॉज इट फॉर टैम्पॉन, इसे भी आपको 4 to 6 hours में चेंज करना रहता है एंड अगर आपको हैवी फ्लो हो तो आप इसे थोड़ा जल्दी भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। इसमें सोते टाइम का कोई इशू नहीं रहता है, इवन आप वाइट कपड़े भी पहन सकते हैं उसमें भी कोई इशू नहीं है। सो या दिस वॉज इट फॉर टैम्पॉन्स। अब हम आते हैं मेंस्ट्रुअल कप पर। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस मेंस्ट्रुअल कप के बारे में एक पूरी डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने जब पहली बार मेंस्ट्रुअल कप ट्राई किया था वो हर चीज़ मैंने बहुत अच्छे से शो करी है, वो भी मैं यहाँ कहीं डाल दूँगी आपके पास आ जाएगा। तो ये वीडियो देखने के बाद उसे भी चेकआउट कर लेना अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर मेंस्ट्रुअल कप की तो ये भी 3 sizes में आते हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज में, और ये भी आपके फ्लो पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से
कि अगर आप पहली बार मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रहे हैं तो पहली बार ना स्मॉल से स्टार्ट करो, क्योंकि लार्ज शायद ज्यादा बड़ा हो। ये है सानफे का एंड दिस ब्रांड इज रियली नाइस। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप लेना चाहते हो तो इस ब्रांड को चेकआउट कर सकते हो, उनके प्रोडक्ट्स काफी सारे अच्छे हैं और शायद इनके पास भी आपको टैम्पॉन्स मिल सकते हैं। और ये ना ऐसे एक बैग में आता है, कपड़े का बैग रहता है, जूट का बैग है एक्चुअली, इसके अंदर आता है। मेरे पास जो साइज है ये है स्मॉल, ये है कप। इसमें ना आपको ये ट्रांसपेरेंट या वाइट कलर में भी मिल जाएगा, तो आप उसमें अपना फ्लो वगैरह इजीली देख सकते हैं, कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ये है स्मॉल वाला कप। सो मैंने अपना जब फर्स्ट ट्रायल किया था मैंने इसी से करा था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पहली बार में ही इतना ना डर जाऊं कि फिर मैं इस चीज को कभी यूज ही ना करना चाहूँ। एज वाले और यंग गर्ल्स जितनी भी है ना, दे आर स्विचिंग टू मेंस्ट्रुअल कप्स, क्योंकि पहली चीज इसमें आपको लीकेज का कोई इशू नहीं है। एंड मेंस्ट्रुअल कप में लिटरली आप इसे एक बार इंसर्ट कर लो ना, तो आपको, हाँ आपको इसके हैबिटेट होने में टाइम लगेगा, एक साइकिल लगेगी या फिर कुछ दिन लगेंगे, लेकिन एक बार आपको आप इसके हैबिटेट हो गए ना, तो आपको लिटरली नहीं पता चलेगा कि आपने कुछ भी लगा रखा है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड मैंने मेरे जितने फ्रेंड्स एक्सपीरियंसेस लिए हैं ये उनका भी एक्सपीरियंस है कि मेंस्ट्रुअल कप सच में वो चीज़ है जिसमें आपको पता नहीं चलता है कि आपने कुछ लगा रखा है। साथ ही साथ में लीकेज का कोई भी इशू नहीं होता है और ये बहुत ज़्यादा ना आपके लिए लॉन्ग वे में अच्छा भी, लॉन्ग रन में अच्छा भी, क्योंकि आप एक मेंस्ट्रुअल कप खरीदोगे तो एक मेंस्ट्रुअल कप की ड्यूरेशन होती है, लाइफ लॉन्ग होती है 10 ईयर्स। जी हाँ, ये रबर का बना होता है, सो ये आपके लिए ना इंसर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इजी भी रहता है। इसके साथ में ये एक स्टेम होती है, ये भी उसी लिए रहती है कि आपको उसको बाहर छोड़ना होता है तो आपके लिए बाद में इसे निकालने में थोड़ा सा आसानी होगा। बेसिकली फॉर्मेट से इतना जो होता है कि जब आपको फील हो कि आपका कप पूरा भर चुका है, इसमें आर्ट्स का कुछ नहीं होता, किसी को हैवी फ्लो है तो ये बहुत जल्दी भर जाएगा, किसी का बहुत ज़्यादा कम फ्लो है तो इसे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये सिर्फ उसके थ्रू हम इसे चेंज कर सकते हैं। जब आपको फील हो कि आपका कप पूरा भर गया है देन यू कैन चेंज इट, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी बात मानो तो आपको 4 से 5 आवर में इसे चेक तो करते रहना चाहिए। एंड आपने इसे एक बार यूज़ करा, आपने इसका जो भी लिक्विड है उसे निकाला, इसे अच्छे से वॉश करा एंड देन यू कैन इंसर्ट इट अगेन एंड आप इसको वापस से यूज़ कर सकते हो। अब आई नो कि अगर आप घर पे नहीं हो, बाहर हो, चलो ऑफिस में भी है तो भी एक बार समझ आता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत सारे विजिट्स पे जाते रहते हैं, जिन लोगों का इधर उधर मार्केटिंग का काम रहता है, तो उन लोगों के लिए ना ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हर बार 10-12 मिनट के लिए कहाँ पे जाओगे इसे चेंज करने के लिए, कहाँ पे इसे वॉश करोगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हम इसका नीचे वाला पोर्शन ऐसे करके अंदर करेंगे एंड देन वील मेक अ सी और यू आउट ऑफ इट, और फिर ऐसे करके हम इसे अपनी वजाइना में इंसर्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपको ना वेट करना पड़ेगा कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का, जिससे आपको पता चले कि कप जो है वो अंदर खुल चुका है, ये ऐसे पॉप हो चुका है। क्योंकि अगर ये बंद है और बंद में ही इंसर्टेड है, पूरे टाइम बंद है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को अपने अंदर नहीं ले पाएगा। इसलिए आपको वेट करना है कि ये अंदर जाके पूरी तरह से ओपन हो जाए, तभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। आप लोगों को इसे ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी रैशेज नहीं है, कोई भी लीकेज नहीं है, आप वाइट कपड़े भी पहन सकते हो, आप कोई भी कपड़ा पहन के कहीं भी जा सकते हो। मेंस्ट्रुअल कप के साथ में आपको उस बारे में सोचने का कोई नीड नहीं है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दीज प्रोडक्ट्स, तो मुझे ना कुछ टाइम पहले अमेजोन पे एक बहुत ही नई चीज मिली थी, जो मुझे नहीं पता था पर्सनली कि ऐसा कुछ मार्केट में मिलता है। सो ये है पीरियड पैंटीज। सो बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आप इसे खोलोगे तो ये जो हमारा नीचे वाला ये पूरा जो पोर्शन है, इसके अंदर पूरे में कॉटन या पैड या जो भी है इस टाइप का एक मटेरियल लगा हुआ है, जो पूरे हमारे इस वाले एरिया में, जो बेसिकली हमारे वजाइना के नीचे आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि यू कैन वेयर इट, आपको इसके अंदर बाहर ऊपर नीचे कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको पहन लो एंड यू आर गुड टू गो ऑन योर पीरियड्स।
पैड्स, आप अपने पीरियड्स में इसको आराम से पहन के कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर का ये वाला जो मटेरियल है थोड़ा सा सॉफ्ट सा मटेरियल है, अगर आप उसको छूगे तो आपको समझ आएगा मटेरियल है ये, अब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो ये उस वे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसमें बहुत ही बहुत कंफर्टेबल है, आपको सिर्फ इसको पहनना है और इसके ऊपर अपना कपड़ा वपड़ा पहनो और चले जाओ, इसमें आपको कुछ भी और करने की नीड नहीं है। साथ ही साथ में ना ये वॉशेबल है, तो आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, पहनो जब ये गंदा हो जाए तब आप इसको यूज़ कर लो। और इसके साथ में भी आपको वही यूज़ करना पड़ेगा कि आपको ना ऑल्टरनेट रखना पड़ेगा, जैसे अगर आप बाहर हो तो आप वॉश नहीं कर सकते इसको ऑब्वियसली, आप सिर्फ घर पे ही आपके पास ये बेनिफिट है। और उसमें भी दिक्कत ये कि फिर ये सूखेगा कम, उसमें भी तो टाइम लगेगा, तो ये आपको मल्टीपल लेने पड़ेंगे ताकि आप एक पहने फिर आपने इसको वॉश करके सुखाने के लिए छोड़ दिया थोड़ा टाइम, तब तक आप कुछ और पहन लो, तब तक आप दूसरा पहन लो, सो वेरी गुड। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको ना इसमें लीकेज का थोड़ा सा एहसास होगा, तो ये गीला होगा एकदम से तो ये अब्जॉर्ब नहीं कर लेगा, थोड़ा तो टाइम लगेगा, और उसके साथ ही साथ ऐसे तो ना ये अब्जॉर्ब करते से एकदम सूख जाएगा, उसके साथ में ये गीला भी तो रहेगा ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें वेट लगेगा, थोड़ा सा एक लिक्विड ही लगेगा, तो उसके साथ सिर्फ ये एक डिसएडवांटेज है, लेकिन आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हो। सो या दिस वॉज इट फॉर द एपिसोड, आई होप कि आप लोगों को ना मेरा आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि मेरा काम था आप लोगों के इसके डिसएडवांटेज एंड बेनिफिट्स बताना, आपका काम है कि आप इन हर चीज़ को यूज़ करो और आपको ये समझ आएगा कि आपके बॉडी टाइप, आपके फ्लो के हिसाब से आपको क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल है। मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे मत जाना कि यार उसने ही ट्राई किया था, उसे ही अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझ पर भी वर्क करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। आप खुद ट्राई करें, ये एक ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है कि आप खुद ट्राई करो एंड फिर आपको पता चलेगा कि आपके लिए बेस्ट क्या है, आपको क्या सूट करता है। मेरा काम था सिर्फ आपको इनके बारे में एक क्लैरिटी देना कि मुझे क्या पसंद आया, मैं क्या यूज़ करती हूँ एंड लोगों का क्या कहना है, लेकिन आप क्या कहते हो और आपको क्या सूट होता है ये आप खुद डिसाइड करना इन सारी चीज़ों को खुद से ट्राई करने के बाद में। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, अगर कोई मेल इस वीडियो को देख रहा है तो अपनी बहन मम्मी बेटी या फिर गर्लफ्रेंड जो भी है वाइफ सबके साथ भी इसे शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो से उन्हें भी किसी चीज़ का नॉलेज मिले जो उन्हें शायद पहले नहीं था एंड वो भी इस चीज़ के बारे में सोचे कि हाँ ठीक है मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो उन लोगों के साथ में जिन्हें इस चीज़ का यूज़ आ सकता है एंड जिनके लिए ये वीडियो यूजफुल रहेगी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो काम में आई हो एंड अच्छी लगी हो। सो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, कमेंट भी कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड यस डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।